They all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone. Cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. हेलो, कैसे हैं आप सब? तो आज मौसम तो बहुत अच्छा है, खुशनुमा मौसम किया हुआ है। कल रात को बारिश झमाझम करके एक बार बारिश हुआ और उसके बाद बंद हो गया है। कल भयंकर वाला गर्मी था तो आज कुछ ठंड सा मौसम हुआ है, लेकिन गर्मी तो है, फिर भी है गर्मी। जान का उस दिन मैं हेयर कटिंग कर रही थी तो वो कर दी थी तो अच्छा ही हुआ था, ठीक हुआ था। तो बोला था मम्मी और छोटा छोटा कर दीजिए, तो और छोटा छोटा कर दी थी, ज़्यादा काम नहीं था। वेदांत के पापा बोले कि मैं बाहर खाना है, तो बाहर आज अब एक तो कोरोना की वजह से कहीं बाहर आना जाना नहीं है। फिर भी मैं सोची कहाँ जाना, तो उनको अंडा खड़ी खाने का मन था तो वो आशीष के घर चले गए अंडा खड़ी बनाने, और मैं यहाँ पे अपने लिए बनाई थी। आशीष भी आया था, वो भी खा लिया, हम लोगों ने खा लिया है खाना। तो उसके बाद बाल में ऑयलिंग करती हूँ और फिर सोची कि कुछ अपने ऊपर भी ध्यान दे दिया जाए, तो आज फेस में कुछ लगाने के लिए सोच रही हूँ, तो जा रही हूँ लगाऊंगी। ये देखिए सीलिंग लाइट मैंने लगाने के लिए बोला था, यहाँ रंगीन वाला सीलिंग लाइट लगा दिए हैं भैया, रंगीन वाला, और इस साइड है वैसा वाला। दोनों साइड इस तरह का रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कलरफुल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्या, रेड रेड सा दिखने लगता है। देखिए यहाँ वेदांत आया था स्विच ऑन करने तो जला के चला गया है। चलिए ये देखिए बाहर बहुत अच्छा सा मौसम हुआ है, बारिश के बाद वाला। और अब भाई अभी तो हल्का हल्का हवा भी चलने लगा, सुबह से उतना ज़्यादा हवा नहीं चल रहा था। और ये मिर्चा का पेड़ है, तो पिछले साल तो बहुत मिर्चा आया, इस बार तो उतना हो नहीं रहा है मिर्चा, इस बार मिर्चा का पेड़ ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। सारा दिन अब यही सब करने में मन लगता है, उसको बाहर आने आके पेड़ पे लटकता है, इस तरह से लटक गया है। यहाँ पे गांव में मधुमक्खी छत्ता लगाई जाती है तो तोड़ के बेचते हैं वो लोग से शहद लिया हुआ है यहाँ पे, तो शहद ले रही हूँ, इतना शहद ले ली। और इसमें ये चावल का आटा इसमें पीस के रखी हूँ, घर में ही बना हुआ है ये भी, तो ये चावल का आटा एक चम्मच भर के चावल का आटा ले लेना है, यहाँ पे इतना ले ली। और दही ये भी घर में ही मिल जाता है, ये सारे हमारे घर के चीज़ हैं, तो दही ले ली। और ये नींबू कट करके ले लूँगी, इतना हम लोग को नींबू का रस ले लेना है। और ये सबको आपस में मिलाएंगे, इसको आपस में अच्छी तरह से मिलाएंगे, जिस आपस में मिल जाए। इस तरह का हो गया है मेरा, ये देखिए मेरा पैक तैयार हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, वो एंटीबायोटिक होता है, लेकिन मैं यहाँ पे हल्दी नहीं ऐड की हूँ। और अभी फेस धो के आ रही हूँ तब इसको लगाऊंगी, जा रही हूँ फेस धो के आने।
ये देखिए मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं ये वाला पैक लगाऊंगी, स्पून निकाल दे रही हूँ। इसको लगा के थोड़ी ऊपर के साइड में मसाज करूँगी, उसके बाद इसको लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इस तरह से ऊपर के साइड ऐसे 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 करके करना है, इससे झुर्रियाँ वगैरह नहीं आती हैं फेस पे। जिस जगह रिंकल्स प्रॉब्लम हो उस जगह इस तरह से आपको करना है, इस तरह से। इस तरह से आपको अपने फेस के हल्के हाथों से रिलैक्स देते हुए इस तरह से सर्कुलर मोशन में करना है। ये वाला मसाज को आप 5 मिनट तक कीजिएगा तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपको। सप्ते में एक बार करिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए। मैं इस पैक को लगा के 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी। ठीक है, 15 मिनट बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। आप यहाँ आंखों पे खीरा भी रख सकते हैं, मैंने अभी नहीं रखा है। खीरा है मेरे पास लेकिन नहीं रखी मैं, आप रख सकते हैं खीरा। तो चलिए इसको सुखा लेती हूँ। एकदम बिल्कुल सूख चुका है। मैं हल्दी डाली होती तो पीला पीला दिखता, लेकिन हल्दी नहीं डाली हूँ। एकदम अच्छी तरह से सूख गया, मैं धो के आ रही हूँ। ये देखिए मैं धो चुकी हूँ, एकदम बहुत तरोताज़ा सा लग रहा है फेस। कल काजल लगाई थी तो हल्का हल्का काजल रह गया है फेस पे। ये देखिए आप सबको इसका फर्क पता चल रहा है, बहुत अलग सा दिखने लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अभी कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, बस खाली जा रही हूँ एक बिंदी लगा लेने। यहाँ पे एक बिंदी लगाऊंगी, बिंदी लगा ली मैं और एकदम ऑयलिंग काजल लगाने से आँख काली काली से दिखते हैं, तो काला दिख रहा है आँख। कि मुझे ये वाला स्टोन अच्छा लग रहा है, वाइट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप सब बताइएगा कैसा लगता है, कैसा लग रहा है ये वाला। शाम तक अपना, कल बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार को हम लोग हेयर वॉश नहीं करते हैं, आज शाम तक मैं हेयर वॉश कर लूँगी।
और फेस तो क्लीन हो गया, बहुत तरोताजा सा लग रहा है एकदम।